देखिए आज की ताज़ा खबर। डायरेक्टर कबीर खान हर दिन कुछ नया करके ट्यूबलाइट के लिए दर्शकों की उत्सुकता बनाए रख रहे हैं। रेडियो सॉन्ग के रिलीज से पहले लगातार पोस्टर रिलीज कर इस गाने के लिए फिल्म मेकर्स दर्शकों का एक्साइटमेंट तो पहले ही बढ़ा चुके थे और अब इस गाने के रिलीज से एक दिन पहले आखिरी पोस्टर को रिलीज करते हुए इस फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों के एक्साइटमेंट का पारा और भी बढ़ा दिया है। इस पोस्टर में सलमान होठों पे हंसी को बरकरार रखते हुए झूमते नजर आ रहे हैं। बस एक और दिन का फासला, उसके बाद ट्यूबलाइट का पहला गाना रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी इस गाने के लिए काफी बेसब्र हैं? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। मिसेस फनी बोन्स का बाहुबली पर क्लासिक ट्वीट बन गया उन्हीं की तरह फनी। विश्व भर में जब हर कोई बाहुबली 2 की तारीफ में मशगूल है, ऐसे में ट्विंकल खन्ना कैसे पीछे रह सकती थी, पर उनका बाहुबली पर प्रेजिंग ट्वीट बन गया एक बड़ा ब्लंडर। दरअसल ट्विंकल बाहुबली सीरीज में कटप्पा का किरदार निभाने वाले सत्यराज के बेहतरीन अदाकारी की तारीफ करते हुए सत्यराज के बेटे सिपी सत्यराज को गलती से ट्वीट कर बैठी। बस और क्या, ये तारीफ एक मजाक बनकर रह गई। हालांकि ट्विंकल के ट्वीट का जवाब देते हुए सिबी सत्यराज ने ग्रेशियसली ट्वीट कर ट्विंकल का उनके पापा की तरफ से शुक्रिया अदा किया और ये भी बताया कि उनका पूरा परिवार राजेश खन्ना जी का बड़ा फैन है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। कभी कभी हमारे कमेडियंस फनी होने के चक्कर में जाने अनजाने किसी की फीलिंग्स हर्ट कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ द कपिल शर्मा शो में, जब अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर और चेतन भगत अपनी आने वाली फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के लिए शो पर पहुंचे। अर्जुन और श्रद्धा दोनों ने ही शो में खूब एंजॉय किया और कपिल और बाकी कास्ट के जोक्स पर खूब ठहाके लगाए। बट माहौल में हल्का चेंज आया जब सुमोना चक्रवर्ती ने एंट्री ली। जब मजाक में कपिल ने उनसे पूछा कि उन्हें किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए था, तो सुमोना ने शक्ति कपूर का नाम ले लिया और इससे श्रद्धा को बुरा लग गया। वेल, श्रद्धा इस जोक के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने तुरंत सुमोना से इसका जवाब मांगा, जिसे सुमोना ने बड़ी ही चालाकी से घुमा दिया और कपिल के साथ अपनी जुगलबंदी जारी रखी। वेल, बाकी पूरे शो में तो श्रद्धा नॉर्मल ही रही, बट सुमोना वाले उस सेगमेंट में उनका उतरा हुआ मुंह साफ नजर आ रहा था। तो आपके क्या विचार हैं इस पर, हमें बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन पर और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। दीपिका मैम, 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 वन बाइट अबाउट द फेस्टिवल। क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं दादा, एक सेकंड दादा, हो गई ले। क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं दादा, एक सेकंड दादा, हो गई ले। भाई माइक वालों का।
एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन की जमकर तारीफ करी और कहा कि वो फिल्म के लीड एक्टर यानी प्रभास के साथ करना चाहती हैं काम। जब आलिया के फैन ने ट्विटर पर उनसे फिल्म बाहुबली 2 को एक वर्ड में डिफाइन करने को कहा तो उन्होंने बड़ी ही कुशलता से जवाब देते हुए कहा कि इस जायंट फिल्म के लिए तो कोई नया ही नाम सोचना होगा और फिर उन्होंने फिल्म को नाम दिया रॉकबस्टर। अगली ही ट्वीट में उन्होंने बताया कि प्रभास उनके फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर बन चुके हैं। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मौका मिला तो वे प्रभास के साथ जरूर काम करना चाहेंगी। तो दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग न्यूज? क्या आप लोग भी प्रभास और आलिया को साथ देखना चाहते हैं? बताइए हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन पर। और बॉलीवुड के अंदर की खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। Are oh my god, that film is supposed to be like something else only. I've seen the promo and I've known Rana since the longest time and he's done a superb job. His father I'm really happy that Bahubali has done really well and today Rana will realize that why I used to tell him to act. He wanted to be a software engineer. Oh my god, that film is supposed to be like something else only. I've seen the promo and I've known Rana since the longest time and he's done a superb job. His father I'm really happy that Bahubali has done really well and today Rana will realize that why I used to tell him to act. He wanted to be a software engineer. आमिर खान ने कटरीना के लिए तोड़ी कसम। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना शॉक। आपको बता दें कि आमिर खान ने पिछले कुछ सालों से एक अनकही कसम खा रखी थी कि वो किसी भी हीरोइन के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे। यानी जिस हीरोइन के साथ उन्होंने एक बार काम कर लिया उसके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। पहली बार उन्होंने ये कसम तोड़ी थी करीना कपूर के लिए, पर अब अपनी ये कसम तोड़ी है उन्होंने कटरीना कैफ के लिए। कटरीना जिनके साथ वो धूम 3 जैसी हिट मूवी में काम कर चुके हैं, अब एक और फिल्म में कटरीना के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई देंगे। जी हाँ, हम किसी और की नहीं बल्कि आमिर की आने वाली फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए काफी समय से हीरोइन की तलाश जारी थी और दीपिका, आलिया, श्रद्धा जैसी कई नाम सामने आए थे, पर उन सबको पीछे छोड़ फिल्म आ गई है कटरीना की झोली में। फिल्म में आमिर के अलावा अमिताभ बच्चन भी होंगे और ये पहला मौका होगा जब कटरीना अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। फिल्म दिवाली 2018 को रिलीज की जाएगी। फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? बताएं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। जब सलमान खान धूम 4 से बैक आउट हुए और उनकी जगह सारके को फिल्म में रखा गया, तब हम सब काफी स्टंट थे। पर अगर ये काफी नहीं था तो अब हमें आपके लिए लेकर आए हैं एक और शॉकिंग न्यूज। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने नो एंट्री के सीक्वल से भी मूव फेर लिया है। वेल, ऐसा लग रहा है कि सलमान इज ऑन अ टर्निंग डाउन स्प्री, है ना गाइस? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सलमान खान जो कि नो एंट्री में एक अहम किरदार निभा रहे थे, वो अब बोनी कपूर की नो एंट्री में दिखाई नहीं देंगे। और क्या आपको पता है उनके जगह अब इस सीक्वल का हिस्सा कौन होगा? वेल, इट इज नन अदर देन ऋतिक रोशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अनीस बेजमी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्हें काफी बार ऋतिक से मिलते देखा गया। ऋतिक ने फिल्म की स्क्रिप्ट भी पढ़ी। अब देखिए आगे क्या होता है। पर क्या आपको लगता है सलमान के बिना नो एंट्री बन पाएगी? हमें बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। इंडिया छोड़ते वक्त जस्टिन बीबर ले गए एक प्यारा सा कीपसेक। जस्टिन बीबर जो भगवान में काफी विश्वास रखते हैं, वो इंडिया को अलविदा कहते वक्त अपने साथ ले गए एक हनुमान की चेन। ना केवल जस्टिन अपने साथ हनुमान जी की मूरत वाली की चेन ले गए, बल्कि उन्होंने ताज आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए दुआएं भी मांगी।
पूरे विश्व में अपने गानों से लोगों को दीवाना बनाने वाले ये अमेरिकन पॉप स्टार निहायत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, और उनके इंडिया पर्पस टूर के दौरान उनके छोटे मोटे कामों से ये साफ झलक रहा था। हालांकि जस्टिन का परफॉर्मेंस लोगों के दिल तो नहीं छू सका, पर उनकी ये छोटी मोटी आदतें जरूर लोगों के दिल छू गई हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। आमिर खान की फिल्म दंगल ने दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, और अगर ये फिल्म चाइना में ऐसे ही कमाती रही तो बहुत ही जल्दी ये फिल्म बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड पार कर सकती है। बाहुबली 2 दुनिया भर में 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, पर अब ऐसा लगता है कि मानो इस फिल्म का बिजनेस कुछ ही दिनों में फीका पड़ने वाला है। पर दंगल का चाइना में बहुत क्रेज है और इसकी कलेक्शंस अभी कुछ हफ्तों में इंप्रूव ही होंगे। सेकंड सैटरडे को फिल्म का कलेक्शन फर्स्ट सैटरडे से लगभग 3 गुना ज्यादा था। फिल्म अभी लगभग इससे दुगना कलेक्शन कर सकती है चाइना में, और इसी के साथ ये फिल्म एम कर रही है 1500 करोड़ का टारगेट अचीव करने का। अगर ये फिल्म ऐसा ही परफॉर्म करती रही तो बाहुबली 2 को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आमिर का जादू काम करेगा और वो ले जा पाएंगे इस फिल्म को 1500 करोड़ तक? बताएं हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। कंगना रनावत की बहुप्रतीक्षित फिल्म सिमरन का हुआ टीजर रिलीज। हरियाणवी के बाद अब इस फिल्म में कंगना गुजराती में बात करते दिखाई देंगी। हंसल मेहता के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में कंगना रनावत टाइटलर रोल में दिखाई देंगी। आपको बता दें, सिमरन में कंगना एक गुजराती हाउसकीपर का किरदार निभाते दिखेंगी, जो अच्छी जिंदगी की आस में क्राइम वर्ल्ड में एंटर करती हैं। सिमरन एक फन क्राइम थ्रिलर है। इस फिल्म में कंगना के अलावा सोहम शाह, ईशा तिवारी, अनिशा जोशी और रिवाना नौसिक भी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। सिमरन इस सितंबर अपनी सादगी के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपको सिमरन का टीजर कैसा लगा, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए।